Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve, check your progress from chapter 9 lines and angles of class 7 ML Agarwal. Description में आपको maths के playlist के link मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप मेरे सारे ही maths के videos को one by one देख सकते हैं. तो चलिए हम अपना questions start करते हैं. Our first question is find the supplementary angle 1/2 of 90 degree. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है. तो सप्लीमेंट्री मीन्स दियर सम शुड बी 180 डिग्री, ओके, देन 1/2 ऑफ 90 डिग्री. तो फर्स्ट वी फाइंड 1/2 ऑफ 90 डिग्री, क्लियर. तो हम लिख लेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, तो हम लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री. तो फर्स्ट हम इसे फाइंड करेंगे, तो 2 से 90 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है. अब इस 45 डिग्री का हम सप्लीमेंट्री निकालेंगे, तो हम लिख लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 45, ओके, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री. अब यहाँ देखिए सप्लीमेंट्री एंगल में सम कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए, और यहाँ हमें दे रहा है हाफ ऑफ 90 डिग्री. तो फर्स्ट हमने क्या किया, 90 डिग्री का हाफ निकाला, जो कि 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री, क्लियर. अब इस 45 डिग्री का हम सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 180 में से उसे माइनस कर देंगे, तो आ गया हमारा 135 डिग्री. अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम क्या समझते हैं सकते हैं, ये 45 डिग्री जो हमारा निकला हाफ 90 डिग्री का है ना, इस 45 को एंड इस 135 को जब आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री होता है, क्लियर. तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. तो इन दोनों एंगल को जब हम प्लस किए तो 180 आ गया, ठीक है. चलिए अब तो आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है 3/7 ऑफ 280 डिग्री. तो फर्स्ट हम 3/7 ऑफ 280 डिग्री का लेंगे, तो हम लिख लेंगे 3/7 मल्टीप्लाई बाई 280 डिग्री. अब 7 से 280 डिग्री को रिड्यूस करेंगे, तो 7 × 4 = 28 एंड ये जीरो आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्लियर. अब 120 डिग्री का हम सप्लीमेंट निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्लियर. अब इसे माइनस कीजिए तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री, ये हमारा इसका आंसर हो गया. तो बच्चों यदि आपको वन एंगल पता है तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, एक नंबर आपको पता है और अनदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम उसे 180 से सब्सट्रैक्ट करते हैं. इसी तरह से अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल करना हो तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम 90 डिग्री से सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्लियर. नाउ क्वेश्चन 2 इज हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. हमें एक एंगल के पूछा जा रहा है कि एक एंगल में वो कौन सा डिग्री है ना, वो डिग्री हमें फाइंड आउट करने हैं जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/5 होगा, क्लियर. तो आइए सबसे पहले हम एंगल मान लेते हैं कि एंगल क्या है, ठीक है. तो मान लेंगे लेट एंगल विल बी एक्स, लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स. जब एंगल एक्स है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट विल बी, तो लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल एक्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस एक्स, है ना. एक एंगल अगर आपको मालूम होता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करते हैं, 90 से उस एंगल को माइनस कर देंगे. तो एक एंगल को हमने एक्स मान लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स, क्लियर. तो 90 में से हमने माइनस कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है जो एंगल है, एंगल इज विच इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. तो एंगल हमारा एक्स है और ये कॉम्प्लीमेंट का 1/5 है, ठीक है. तो यही हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, क्लियर. तो एंगल को हमने एक्स माना है तो एक्स इज इक्वल टू, अब है 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1/5 एंड कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका, 90 डिग्री माइनस एक्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 90 माइनस एक्स,
क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा ये, तो ये हो गया हमारा 5x। तो लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब हम x को एक साथ कर लेंगे, तो ये माइनस है तो इस साइड आकर प्लस बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। तो ये हमारे हो गए 6x इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 6, सॉरी ये 90 है, x इज इक्वल टू 90 बाय, यहाँ पे x लिख रही हूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू 90 बाय 6। तो 6 से जब हम 90 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया 15 डिग्री। क्लियर, तो हम लिख लेंगे हेंस डिग्री विल बी, हेंस डिग्री डिग्रीज विल बी 15 डिग्री आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड वन एंगल इज 5 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स द अदर, फाइंड द एंगल्स। ठीक है, कह रहा कि टू एंगल सप्लीमेंट्री है, उन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से जो फर्स्ट एक तो एंगल हमारा हो गया और जो सेकेंड एंगल है वो उस फर्स्ट एंगल से, है ना, फर्स्ट एंगल से 5 डिग्री ज़्यादा है और साथ ही 4 टाइम्स है, यानी कि हम मान लीजिए लेट फर्स्ट एंगल एक्स, तो यहाँ कह रहा कि 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 4x, एंड उसमें कह रहा है कि 4 टाइम्स तो है ही साथ ही 5 डिग्री मोर है, है ना, ज़्यादा है, मोर है, तो क्या करेंगे प्लस, तो 4x प्लस 5 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल x डिग्री एंड सेकेंड एंगल होगा 4x प्लस 5। अब हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तो एक एंगल ये और ये दोनों एंगल्स मिलके सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x, इन दोनों को प्लस में कर लेंगे, तो x प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 4x 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 5 इज इक्वल टू 180 में से जब हम 5 को माइनस किए तो आ गया हमारा 175 डिग्री। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 170 बाय 5। अब इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 35 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, जब x की वैल्यू आ गया तब हम दोनों एंगल्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व आगे कर रही हूँ, तो फर्स्ट एंगल हम लिख लेंगे, नाउ फर्स्ट एंगल x है, तो x विल बी x इक्वल टू 35, ये हमारा आंसर है 35 फर्स्ट एंगल। एंड सेकेंड एंगल हमने लिया है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, तो 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 35, तो 4 इंटू 35 और प्लस 5। क्लियर, तो 4 इंटू 35 हमारा हो जाता है 140 प्लस 5 इज इक्वल टू 145 डिग्री। क्लियर, तो ये दोनों ही एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ क्वेश्चन 4 इज, द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये आपका फिगर है, डायग्राम है, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट स्ट्रेट लाइन्स, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे एक दूसरे के, इसी तरह से ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम लिख लेंगे 3x माइनस 10, ये 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 15, वही हमने लिख लिया, रीजन लिख लेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर, v फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम x को एक साथ रख लेंगे, तो 3x ये प्लस में है तो माइनस 2x इज इक्वल टू 15 डिग्री, प्लस माइनस 10 है तो माइनस 10 है इसलिए प्लस में आ जाएगा दूसरे साइड आकर के, है ना, अपना इस पे जगह ये चेंज कर रहा है, तो ये प्लस बन गया, तो 15 प्लस 10, तो x इज 3x माइनस 2x, x हो गए 15 प्लस 10 25 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारा निकल गया 25 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, तो इस पे ये एक एंगल है एंड एक ये एंगल है, है ना, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हम इस y की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो लीनियर प्रॉपर्टी में क्या होता है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो वही हम लिख लेंगे y प्लस
वाई प्लस टू एक्स प्लस फिफ्टीन, टू एक्स प्लस फिफ्टीन डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिख लीजिए यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम y की वैल्यू निकालनी है, तो y प्लस टू एक्स, एक्स हमने 25 निकाला है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25 डिग्री प्लस ये 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हो गया y प्लस 25 टू जै 50 प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 50 प्लस 15 तो ये हमारा हो जाता है 65। तो लिख लेंगे y प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y प्लस 65 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 65 हो जाएंगे, है ना, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 115 डिग्री। क्लियर, अब ये हमारा y 115 डिग्री। अब यहाँ देखिए y 115 डिग्री हो गए, तो ये और z दोनों वर्टिकली अपोजिट है, इक्वल है, तो हमारा z भी 115 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे z इक्वल टू y इज इक्वल टू 115 डिग्री। क्लियर, इसकी रीजन लिख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर डायग्राम लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये फिगर देखिए, ए बी सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ओ पे कर रहे हैं। क्लियर, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 78 डिग्री। अब यहाँ कह रहा है कि एंगल 1 और 3 ये दोनों का सम कितना है 78 डिग्री, तो हमें फाइंड द साइज ऑफ एंगल 2, एंगल 2 का साइज निकालना है। क्लियर, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है, जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो दोनों इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होंगे, और दोनों का सम भी हमें दे रखा है। तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये भी एक्स है ना, ये भी हमारा एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, दोनों ही एक्स बन गए। एंड दिए हुआ है हमारा क्वेश्चन में एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 78 डिग्री, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर, तो अब हम लिख सकते हैं दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो एक्स एंगल 1 एक्स प्लस एंगल 3 भी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 78 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल का सम 78 डिग्री हमारा गिवन है, तो एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 78 डिग्री। देन x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 78 बाय 2, 2 से 78 रिड्यूस करने पे आ जाता है हमारा 39 डिग्री। अब हमारा x की वैल्यू निकल गया 39 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 भी 39 है, एंगल 3 भी 39 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 39 डिग्री एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 39 डिग्री। क्लियर, अब यहाँ देखिए ये जो लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन है, हमें टू एंगल 2 का साइज निकालने है ना, तो 1 और 3 हमें पता है, 1 हमने मालूम कर लिया 39 डिग्री। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो एक ये एंगल और ये एंगल, तो ये 39 है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हम इसे फाइंड कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिख लेते हैं, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री। 1 एंगल 1 हमने 39 फाइंड आउट किया, तो यहाँ लिख लेंगे 39 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देन एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 180 माइनस 39 डिग्री, इन्हें माइनस कीजिए तो ये आ जाता है हमारा 141 डिग्री। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया एंगल 2 141 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 6 इज,
एल पैरेलल टू एम, देखिए एल पैरेलल टू एम, क्लियर। इफ एंगल 5 इज 75 डिग्री, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। तो एंगल 5, ये हमारा एंगल 5 है, ये हमारा दे रखा है 65 डिग्री, ठीक है। एंगल 5 65 डिग्री है, तो हमें ये अदर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये पैरेलल है ना, एल पैरेलल टू एम, तो पैरेलल की प्रॉपर्टी से, एंगल पैरेलल प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक एंगल ये हमारा 65 है, तो यहाँ देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इस पर हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से एंगल 6 फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिख लीजिए, इसका रीजन में लिख लेंगे हम लीनियर पेयर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल 5 65 दे रखा है, तो हम लिख लेंगे 65 डिग्री प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 6 को स्टॉप कर लेंगे, तो एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब एंगल 6 हमारा आ गया 115 डिग्री, ये रहा हमारा एंगल 6, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया 115 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, जब ये एंगल 6 हमारा 115 डिग्री है, ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे एंगल 5 एंड एंगल 7, ये क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट में एंगल में ये दोनों इक्वल होंगे, इसी तरह से एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल होंगे, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्लियर। तो हम लिख लेते हैं एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, तो लिख लेंगे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 कितना है 65, तो 65 डिग्री। तो एंगल 7 हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा, ये 65 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे इसका रीजन लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। इसी तरह से एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल हो गए, तो 6 तो हमने निकाल लिया, तो एंगल 8 निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 115 डिग्री, इसका भी ये सेम रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर। तो एंगल 8 हमारा हो गया, ये एंगल 8 115 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये एंगल 1 2 3 4 बच रहा है, तो अब यहाँ देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 एंड 5, 4 एंड 8 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसी तरह से एंगल 2 एंड 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंड एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 5, एंगल 2 इज इक्वल टू 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू भी लिख लेते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 ये है 65 डिग्री, 2 एंड 6 115 है, तो यहाँ लिख लेंगे 115 डिग्री, एंगल 2 भी 115 हो गया। इस अब नाउ एंगल 3 एंड एंगल 7, तो लिख लेते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू 65 डिग्री, क्योंकि 7 65 आया, तो 3 भी 65 डिग्री, बच गया एंगल 4 एंड 8, तो ये भी लिख लेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू 8, हमने 115 डिग्री निकाला, ठीक है। और इन चारों का रीजन यहाँ लिख लेते हैं हम, तो इनका रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गए, क्लियर। नाउ इट्स सेकेंड बी पार्ट इज एल पैरेलल टू एम, तो देखिए एल पैरेलल टू एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, क्लियर। तो यहाँ देखिए, जब ये पैरेलल है, एल एंड एम पैरेलल है, तो ये जो हमारी लाइन्स हैं, ये जो लाइन हमारी, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो सो एक्स एंड 40 डिग्री विल बी इक्वल, ओके, है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना पहले, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन एंड ये एंगल, है ना, ये एंगल एंड ये एंगल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यही, तो हमारा क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे एंगल एक्स इक्वल टू, हम लिख लेंगे एक्स इक्वल टू 40 डिग्री, क्लियर। इसका रीजन लिख लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स, है ना, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्लियर। तो एंगल एक्स 40 डिग्री, तो ये एक्स डिग्री, ये हमारा बन गया
40 डिग्री। जब हमने x की डिग्री फाइंड आउट कर ली तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 40 प्लस वाई, एक्स प्लस वाई फर्स्ट लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 105 डिग्री, ठीक है। तो एक्स हमने निकाला 40 डिग्री, प्लस वाई इज इक्वल टू 105 डिग्री। वाई को स्टॉप कर लेंगे एंड तो हो जाएगा 105 माइनस 40 प्लस में, तो ये माइनस में आ गया 40 डिग्री। तो इज इक्वल टू, जब इसे माइनस करेंगे तो आ जाता हमारा 65 डिग्री। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, y हमारा निकल गया, ये हमारा हो गया 65 डिग्री। अब हमें z निकालने हैं, ठीक है। तब ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से ये एंगल्स हम निकाल लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी में क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री। तो इन सबको हम ऐड करके z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं बाय स्ट्रेट लाइन एंगल्स प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे हमारे, 40 प्लस वाई प्लस जेड, 40 डिग्री प्लस वाई प्लस जेड डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 40 डिग्री प्लस वाई हमने फाइंड किया 65, तो यहाँ 65 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 65 ये हमारे हो जाते हैं 105 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम जेड को स्टॉप कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्लियर। तो जेड हमारा 75 डिग्री। तो हमने एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाल ली, तो ये आंसर हमारा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ, अब हम 40, 65 प्लस 17 तीनों को जब एंड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से हमने ये एंगल्स जेड फाइंड आउट कर लिया। नाउ इट्स थर्ड सी पार्ट इज एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू। यहाँ देखिए एल एम ये दोनों पैरेलल है, इसी तरह से ये लाइन पी एंड क्यू ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा ये एंगल 105 डिग्री दिए हुआ है एंड ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो हम लिख लेंगे x प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिख लेते हैं, लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। तो x हमारा आ गया 75 डिग्री, x हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम देखिए l एंड m ये पैरेलल हमारे क्वेश्चन में दिए हुआ है। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं l पैरेलल टू m, ये हमारा गिवन है। सो y इज इक्वल टू 105 डिग्री, y इज इक्वल टू 105 डिग्री। इसका रीजन हम लिख लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक बार समझ लेते हैं। देखिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये हमारा इसका ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये एंगल y एंड ये एंगल है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इसीलिए y हमारा हो गया 105 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 105 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि p एंड q ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये p एंड q पैरेलल है, y की वैल्यू 105 डिग्री हो गए, तो ये एंगल y और एंगल z है ना, जब ये पैरेलल लाइन है तो एंगल y और एंगल z ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड यू नो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो हम इससे को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल जेड निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं पी पैरेलल टू क्यू, ये भी हमारा गिवन है।
given. Therefore y plus z is equal to 180 degree. इसका रीजन लिख लेते हैं, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री. क्लियर, तो एंगल वाई हमने 105 डिग्री निकाला है, तो यहाँ लिख लेंगे 105 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम जेड को स्टॉप कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री. ठीक है, तो जेड हमारा हो गया 75 डिग्री. अब देखिए एक्स वाई जेड हमें निकालने थे, तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली. क्लियर, सो दिस एक्सरसाइज हैज़ कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.